उत्तर प्रदेश के दादरी गांव में एक युवती के साथ धोखे से शादी करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में एक युवती की विवाह एक बुजुर्ग के साथ करवा दी गई। इस युवती का आरोप है कि विवाह से पहले उसे कोई और लड़का दिखाया गया था, किंतु उसकी शादी किसी और से करवा दी गई। जिस व्यक्ति से उसकी शादी करवाई गई उसकी आयु बहुत अधिक है। ये युवती दिल्ली की निवासी है, जबकि आरोपी बुजुर्ग व्यक्ति दादरी का रहने वाला है। जैसे ही युवती को उसे देखते हुए धोखे के बारे में पता चला तो उसने बिना कोई देरी किए पुलिस के साथ शिकायत दर्ज की। पुलिस के अनुसार युवती की शादी उसने दोगुना आयु के व्यक्ति से कराई गई। वहीं पुलिस ने दूल्हे से भी इस मामले की पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दूल्हे ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। दरअसल दूल्हे का कहना है कि उसने पैसे देकर ये विवाह किया है और लड़की के साथ किसी के प्रकार का धोखा नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार हाल ही में दिल्ली में रहने वाला एक लड़की की शादी ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र में एक आदमी से हुई थी। PM News 24 की रिपोर्ट।